बोलो आगे यहाँ की चाय पियो। आते हैं डेली आते हैं। फिर उनके बंदे रानमुरीद बन जाते हैं तकरीबन। जाते ही मुझे तो लगता है बाज यहाँ से जाते ही पैर पकड़ लेते होंगे। खुश रहना है तो आप रानमुरीद बन जाओ, बल्कि लोग कहते हैं रानमुरीद, मैं तो कहता हूँ कि आप बिछ जाओ बिल्कुल बेगम के सामने, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। बड़ा मजा आ रहा है आपको हैं भाई, पैर दबाई जा रही है अपने बंदे से, मजा आ रहा है आपको हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। ये मैं मदरसे में पढ़ाती हूँ और मैं करती हूँ शरई पर्दा, आपको तो एतराज नहीं है? तो मैंने इनको जवाब दिया था कि मेरे से ना करना, बाकी किसी से भी करना। उस्मान बड़ा होके क्या बनेगा? रंग मरीज पापा की तरह। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रानमुरीद होटल पे मौजूद हूं। पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे पहली दफा हुआ है कि किसी ने इस तरह का होटल बनाया। नाम है जिसका रानमुरीद टी स्टॉल। रानमुरीद टी स्टॉल एंड सेकंड वाइफ ड्रिंक कॉर्नर। मतलब क्या सोच के इस बंदे ने ये नाम रखा है और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि रानमुरीदी के जो सारे फैज थे इन्होंने हासिल कर लिए हैं। मैं इनके रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, होटल में मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं कि मतलब क्या मसला था, इतना क्यों है ये रानमुरीद, किसने सिखाया इनको इतना प्योर रानमुरीद बनने का तरीका। तो आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और देखो हालत देखो इनकी कि बेगम घर पे हैं और ये बच्चे को उठा के खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब रानमुरीदी की इंतहा देखो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है आप? रानमुरीद। क्या है यार ये रानमुरीद है, ये खुद लोगों को बता रहे हैं। अच्छा खुद तो आप हैं ही हैं रानमुरीद, लोगों को बताने की क्या तुक बनती है कि आप रानमुरीद हैं? लोग झिझक करते थे इस चीज़ में, भाई रानमुरीद होने में कोई मैंने कोई इसमें ऐप है कोई, तो मैंने कहा शरेआम हो जाएंगे सारे। अच्छा मुझे ये बताओ कि रानमुरीदी में आपको इतना क्या मज़ा आता है? सुकून सिर्फ दो चीज़ों में, या कब्र में या रानमुरीदी में। अच्छा मुझे बताएं कि ये रानमुरीद होटल बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था? इस होटल बनाने की वजह से ना औरतें काफ़ी खुश हैं, वो प्रदू की कमेंट आते हैं, बताते हैं वो कौन सा तवीज़ा हमें बताओ, हम भी देख देते हैं अपने शोर को। बोलो आगे यहाँ की चाय पियो। आते हैं डेली आते हैं। फिर उनके बंदे रानमुरीद बन जाते हैं तकरीबन। जाते ही मुझे तो लगता है बाज यहाँ से जाते ही पैर पकड़ लेते होंगे। रानमुरीदी की सारी हदें इन बंदे ने पार कर दी हुई हैं। तो अभी कहाँ, अभी तो आप ऊपर चले, आपके एक रूम है रानमुरीदी का, वो दिखाता हूँ। इन्होंने स्पेशल कमरा बनाया हुआ है रानमुरीदी का, आपसे हम बाकी बात बाद में करते हैं। अब अभी हम ऊपर चलते हैं और रानमुरीदी का जो स्पेशल किस्म का कमरा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली मुझे वो वाला कमरा मिल गया है जिसमें बड़े बड़े रानमुरीद आके अपनी बेगमात से मिलते हैं और रानमुरीदी का फैज हासिल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या हो रहा है? बेगम के पैर दबा रहे हैं। हम जाके जाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ये क्या हो रहा है? मैंने आपकी शादी होगी? नहीं। आप इस चीज से महरूम है फिर। ये क्या है? ये रानमुरीदी है। माय गॉड, ये रानमुरीदी है। क्यों करते हैं? मतलब वो थकी हुई है, काम करवाया उनसे? नहीं नहीं, ये वो काम करवाना था। कौन सा काम? ठीक है, चाय का कहा था। इन्होंने कहा था मेरी टांगों में दर्द है। अच्छा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, रानमुरीद होटल है, उधर चलते हैं। ठीक है जी, चाय भी पीते हैं, आपकी टांगे भी दबा देंगे। ऐसा मतलब बड़ी खुश नसीब हो रहा था भाई ये, जिसका बंदा सबके सामने पैर दबा रहा है। उनके घर में अम्मी है आपकी? नहीं, मैं अलग रहता हूँ सबसे। उनका सास क्या पता घर में ना ना करने देती हूँ? नहीं नहीं, वो नहीं करने देते थे, मैं फिर अलग आ गया वहाँ आगे करते। रानमुरीद है ये, घर वाले नहीं करने देते थे तो अब होटल में आके रानमुरीदी करते हैं। अच्छा कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं तकरीबन। तो कभी ये हुआ है कि रानमुरीदी मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी कम हो रही है तो मैं फिर ज्यादा कर लूँ? नहीं नहीं, वो एनर्जाइज होती रहती है ये रानमुरीद होटल पे आके। हाँ जी, ये बन गया तो हमें तकवीत मिलती रहती है। बड़ा मजा आ रहा है आपको हैं भाई, पैर दबाई जा रही है अपने बंदे से, मजा आ रहा है आपको हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। हर किसी को नसीब नहीं होता, वाकई नहीं होता। बड़ी बड़ी औरतें बेचारी सब कुछ काम शाम करके भी वो दबा रही होती हैं पैर वगैरह, और आपके तो बंदे आपके काफ़ी देर से लगे हुए हैं पैर दबाने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुश नसीबी है ये मेरी। अच्छा बड़ी भाई, वैसे अगर वो दूसरी शादी कर ले?
इजाजत है जी। देखो पैर दबाता है बंदा तो इजाजत ही होनी है ना। मरीज बना हुआ हूँ मैं इसीलिए ताकि मान जाए वो दूसरी शादी। नहीं नहीं ना भी माने कोई मसला नहीं है, इजाजत मुझे हर चीज की मिली हुई है इसलिए। मतलब ऐसी बेगम हो तो फिर बंदा रणबीर तो बनेगा ही बनेगा ना। अच्छा मुझे बताएं कि मेरी ना शादी नहीं हुई है तो मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे वाला होने वाला बंदा होगा वो प्योर रन मुरीद हो। तो आपने क्या घोल के इनको पिलाया है जिससे ये इस तरह के रन मुरीद हो गए? रन मुरीद होटल की चाय पिलाई है, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं पिलाया। रन मुरीदी में ये घर के कौन कौन से काम करते हैं? रन मुरीदी में ये घर के सारे ही काम करते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं, खाना शाना दे देते हैं बच्चों को, कपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आपको डांटते शांटते नहीं है? ना जी कभी नहीं डांटा। मुझे बताएं कि शादी से पहले आपकी कोई ख्वाहिश थी? जी जी शादी से पहले जब मेरा रिश्ता ढूंढने मेरे घर वाले गए थे तो उन्होंने इसको देखा था। अच्छा। ठीक है जी, तो मुझसे आके पूछा था कि भाई आखिरी ख्वाहिश कोई आपकी है, कोई ख्वाहिश लड़की के मुताबिक जो हो। मैंने कहा जी लड़की और जिंदा हो, दो ख्वाहिश हैं। ठीक है जी। दूसरा जब इन्होंने कहा कि मैं मदरसे में पढ़ाती हूँ और मैं करती हूँ शरई पर्दा, आपको तो एतराज़ नहीं है, तो मैंने इनको जवाब दिया था कि मेरे से ना करना, बाकी किसी से भी करना। ये बंदा ना अंदर से कुछ चीज है जो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुल के आ रहा है। अब नहीं पर्दा किया तो तभी देखो आप उनके पैर तक दबा रहे हैं। ऐसे ही है, कुछ खोल के पिलाया है उन्होंने? नहीं जी नहीं, मोहब्बत है बस और कुछ नहीं है। मोहब्बत? ये बाकी लोग ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं करते हैं, पैर क्यों नहीं दबाते हैं? वो असल में इसलिए तो परेशान रहते हैं। हाँ जी, यानी कि अगर आपने खुश रहना है तो आप रन मुरीद बन जाओ, बल्कि लोग कहते हैं रन मुरीद, मैं तो कहता हूँ कि आप बिछ जाओ बिल्कुल बेगम के सामने, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। ठीक है जी, और बाहर भी आप रिलैक्स होकर काम कर सकोगे, वरना बाहर जब आपको काम बताया जाएगा आपके जहन में बेगम का ख्याल होगा, बेगम की बातें होंगी सड़ी हुई। ठीक है जी, और काम पर आपका फोकस नहीं होगा। इनका जो 6 साल का बच्चा है वो हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। हेलो कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान बड़ा होके क्या बनेगा? रंग मरीद पापा की तरह। रन मुरीद बनेगा पापा की तरह, मतलब आपके तो बच्चे भी भाई रन मुरीद हैं। इनकी आने वाली बेगमाद, इनकी आने वाली नस्लें सारी रन मुरीद हैं। ऐसे ही है जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रन मुरीद बने रहेंगे तो सुकून से रहेंगे। वो कहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, और ये बंदा कह रहा है मेरे बच्चे रन मुरीद बने। हाँ जी ऐसे ही है, रन मुरीद बनेंगे, ये डॉक्टर भी अच्छे बनेंगे, इंजीनियर भी अच्छे बनेंगे, ठीक है जी, फौजी भी अच्छे बनेंगे। मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े रन मुरीद हैं। अल्लाह का शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सोचे? इससे तो मोहल्ले वाले भी सड़ते हैं कि आप यार हमें तो टाइम ही नहीं देते, सारा दिन घर रहते हैं, ठीक है जी ये काम पे रहते हैं, तीसरी चीज़ कोई ज़िंदगी में आपकी देखी नहीं। मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं, एक मेरा काम है, दूसरी मेरी बेगम है। बस यहाँ पे लग रहा है कि बेगम ज़्यादा है, काम से भी ज़्यादा बेगम। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी थी वो इन्जॉय कर रहे हैं, इन्होंने ना ये वाला काम करने में गुजार देना है, पक्षियां जलने में और ये करने में। अच्छा मुझे बताएं कि जो रन मुरीद बनना चाहते हैं लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम दोगे? उनको उनके लिए ये मैसेज है कि आप सब जो है ना जिंदगी में मसाइल का शिकार है, खास तौर पे शादीशुदा जोड़े, ठीक है जी, आप परेशान हैं, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई टेंशन का मरीज है, ठीक है जी, किसी को कोई मसला है, तो आप जब एक अच्छे रन मुरीद बन जाएंगे ना, ठीक है जी, तो आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब उसी को आप काबू कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जब आप रन मुरीद बन जाएंगे तो आप जहाँ पे काम करते हैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा पाएंगे। इतनी प्यारी बातें। वैसे इस बंदे को ना मैं जो मेरा जो होने वाला हस्बैंड होगा मैं उसकी ट्यूशन दिलवाऊंगी आपसे, मतलब उसको अच्छी तरह आपने रन मुरीदी सिखानी है, ठीक है? नहीं इजाजत दी तो भाई भाई इजाजत मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी। तो सांस भी बेगम के कहने के बगैर नहीं लेते होंगे।